बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्लास चौहरम इस्लामियात, लेक्चर नंबर 7, सफ़ा नंबर 17 पे आज हम स्टार्ट करेंगे। सबक नंबर 4 हमने शुरू करना है, बंदों के हकूक़। इससे पहले हमने अल्लाह ताला के हकूक़ के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में। इस चैप्टर में हम बंदों के हकूक़ के बारे में पढ़ेंगे। इस्लाम में हकूक़ को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक अल्लाह ताला के हकूक़ और दूसरे बंदों के हकूक़। दोनों किस्म के हकूक़ की अदायगी हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ये वर्ड अदायगी लिखा हुआ है, अलिफ दालल दा गाफ छोटिए गी। यहाँ पे आप सब इसको गाफ छोटिए गी कर लें, जो हमदा छोटिए लिखा हुआ है। ये बुक में गलती है, इसको ठीक कर लें पेंसिल के साथ। सवाल नंबर 1, बंदों के हकूक़ से क्या मुराद है? जवाब, बंदों के हकूक़ से मुराद वो हकूक़ है जो एक इंसान के दूसरे इंसान पर लाजिम है। माशरे में अमन व सुकून कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हर फर्द दूसरे के हकूक़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखे। इस्लाम में एक दूसरे के हकूक़ पूरे करने की बहुत ताकीद की गई है। सवाल नंबर 2, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर क्या हकूक़ हैं? जवाब, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु तआला फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हकूक़ हैं। अगर वो इसे बुलाए तो वो इसकी दावत कबूल करे, जब इसे मिले तो सलाम करे, इसकी छींक का जवाब दे, जब वो बीमार हो तो इसकी इयादत करे, जब वो इससे नसीहत चाहे तो इसे नसीहत करे, जब वो फौत हो जाए तो इसके जनाजे में शरीक हो। सवाल नंबर 3, वालिदैन के कोई से दो हकूक़ लिखें। बंदों के हकूक़ में सबसे ज़्यादा ताकीद वालिदैन के हकूक़ की है। वालिदैन का सबसे पहला हक है कि इनके साथ हुस्न सलूक करें। इनका दूसरा हक ये है कि इनकी फरमाबरदारी और इज्जत व एहतराम करें। अल्लाह ताला का इरशाद है, वबिल वालिदैन एहसानन, तर्जमा, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। वबिल वालिदैन एहसानन, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। वालिदैन के हक़ में दुआए खैर करना बहुत बड़ी नेकी है। दुआए खैर का मतलब है अच्छी दुआ करना। सवाल नंबर 4, औलाद के हकूक़ क्या हैं? औलाद का ये हक़ है कि वालिदैन इनके अच्छे नाम रखें, इनकी तालीम और तरबियत का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए, इन पर शफ़क़त की जाए यानी इनके साथ प्यार से पेश आया जाए, किसी बच्चे को दूसरे बच्चों पर तरजीह ना दी जाए यानी कि बच्चों में कोई फ़र्क ना किया जाए, हर बच्चे को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाए, डील किया जाए या उन दोनों के साथ एक जैसा सलूक किया जाए। सवाल नंबर 5, किसी ज़रूरतमंद रिश्तेदार को सदका देने का क्या अजर है? जवाब, रिश्तेदारों के भी बहुत से हकूक़ हैं, हम इनसे अच्छा सलूक करें, इनकी खुशी और गम में इनके साथ शरीक हों। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्कीन पर सदका करने से एक सवाब मिलता है और किसी ज़रूरतमंद रिश्तेदार को सदका देने से दुगना सवाब मिलता है, एक सदक़े का और दूसरा सिला रहमी का। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।